आप लोग की क्या मांगे थी? आज 4 दिवसीय से धरना प्रदर्शन करत हमें हम मोर नाम नीलू अग्रे है, मेरा रसोई संघ के प्रदेश अध्यक्ष है। हमार मांग रही से कलेक्टर दर एक ही मांग लेके मैं उतरे हूँ मैदान में। लगभग मैं 2 से 3 साल हो गए धान अगर से रैली करते छा, उग्र से उग्र आंदोलन करते छा, मगर हमार काका मांग ला सुनत नहीं। जन घोषणा पत्र में वो खुद मोर सरकार आही तब मैं हाँ कलेक्टर दर दूहूँ कह के बोली से। आज ओकर आए सरकार लगभग 4 साल हो गई, मगर गंगा जल के कसम खाने वाला हमार काका है एक हाथ में गंगा जल के कसम खा के बोली से कि मोर सरकार आही तो मैं कलेक्टर दर दूहूँ कि से। और कई जन गलत फहमी हो जाते रसोईया संगठन कही था आंगनबाड़ी के हो गई कि हमन हरन ना मध्यान्ह भोजन जो मिड डे मील बना था स्कूल में 8वीं से लेकर 1वीं से लेकर 8वीं क्लास भर बना था। एक एक रसोईया कम से कम हमन 30-40 किलो खाना बनाथन और हमर एक दिन के रोजी ला देखबे ना तो मात्र 50 रुपया है और महीना के 1500। और हमर काका ला सद्बुद्धि के संदेश भेजना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बेरोजगार ला वो 2500 महीना कहा थे है बेरोजगार भत्ता और पूरा महीना काम करत है तेला 1800 कहा थे। वाह हमर काका आइए ऐसे IAS अधिकारी और कलेक्टर जो हमर काका ला ज्ञान देते सद्बुद्धि देते मैं ओहला सद्बुद्धि के संदेश देना चाहता हूँ भगवान से प्रार्थना करत हूँ। और जो हमर रसोईया भाई बंधु मन ला बोलते कि 1 घंटा के काम है कति वो मंत्री के डौकी आके 1 घंटा में खाना बना के दी ना तो मंत्री की डौकी ला बलाही और खाना बनाही। मैं जाता हूँ 10 बजे सर मोर है 2 बजे तो खुजे लंच छुट्टी होते तो कति ला हो इसे आप मन जोड़ लो 10 बजे से लेकर अगर हम जाते हैं 2 बजे लंच छुट्टी हुआ थे तो 5 घंटे तो ऐसे हो गए। क्या क्या मांगे हैं? मात्र कलेक्टर दर एक ही मांग है। मैं हाईकोर्ट में एक सूत्री मांग है। हाईकोर्ट में ना मैं हाँ कलेक्टर दर के रोजी जीत चुके हैं 9180 रुपया के कोर्ट में मैं जीते हूँ। जिला व सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मैं PTL दायर करे पर मैं हाँ तैयारी करत हूँ। अब आगे क्या रणनीति है? आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हमन हाँ जाए पर हमन काम बंद हड़ताल में आज से हमन चले गए हैं। तूता में होगा? नहीं काम बंद हड़ताल है, तूता में भी चलेंगे और यहाँ भी होगा। अभी परमिशन यहाँ बूढ़ा तालाब में मिल नहीं रहा है क्योंकि 100 की संख्या है। ये भी एक छलावा है हमारे काका का क्योंकि अगर हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है उनको दबाने के लिए हमें कुचलने के लिए हमें दबाने के लिए। आप लोग का प्रदेश स्तर पर है? हाँ प्रदेश स्तर ही है। अच्छा आगे की अब क्या रणनीति होगी? आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम चले गए हैं काम बंद हड़ताल। जो पूरा नाम बता दीजिए। मोर नाम नीलू ओगरे है, मैं रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अब इस कर्मचारियों की मांगों पर सरकार कब सुध लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आंदोलन की क्या रहा आज को लेकर के? देखिए छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद जिस हिसाब से शासकीय कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, मध्यान्ह भोजन रसोईया कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, इन लोग साथ में तो धोखाबाजी की। मैं आपको बताऊं ये रसोईया कर्मचारी जो मुख्यमंत्री जी बोल रही थी, मैं समझता हूँ 6 महीना आंदोलन किए थे तब इनका वेतन 1200 से बढ़ा के 1500 किया गया, मैंने एक दिन में कितना 50 रुपया रोजी। उसके बाद अभी फिर आंदोलन हुआ सदन में, हम इनकी मांग को पूरा करने करके 1500 से बढ़ा करके 1800, तो पहले 50 रुपया रोजी अब उसका 60 रुपया रोजी पर डे। आप मेरे को बताओ भारत में या हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में 60 रुपया रोजी में कौन महिला बर्तन लाएगी, लकड़ी लाएगी, खाना बनाएगी, खाना बनाने के बाद सैकड़ों बच्चों को खिलाएगी, फिर उनके थाली को धोएगी, फिर बर्तन, इतना सब काम 60 रुपया रोजी में होगा? मैं आपको चुनौती देता हूँ मंत्री, विधायक और अधिकारियों की पत्नी भी एक दिन में 60 रुपये में खाना बना के देना तो दूर, चाय बना के नहीं देगी। कुल मिलाकर आप लोग धरना चल रहा था ये अभी आज का एक दिन का है, इसका फिर अनिश्चितकालीन चलेगा, इसके पहले 2 बार 3 बार अनिश्चितकालीन हो चुका है। देखिए अभी सरकार ने जो हमको चुनावी घोषणा पत्र में 10 दिन में करने की बात की थी वो बोलते हैं कि पैसा नहीं है, कमेटी नहीं है। आज देखिए बेरोजगारी भत्ते का घोषणा तो कर दिए, हर रोज पेपर में आ रहा है इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। अभी सरकार ने बजट में तो आप लोग ने कुछ प्रावधान किया था? बस बता रहा हूँ ना 50 रुपये बढ़ा के 60 रुपया, ये हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी 47,000 है। बूढ़ा तालाब में धरना मत दो, वो गए कहाँ धरना देने के लिए तूता में। साहब परसों के धरना में 19 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज किया है, बलुआ तोड़ फोड़ 1700 का। और दूसरी तरफ वही अधिकारी चर्चा में मुख्यमंत्री से मिलवाने की बात करके लेटर दिए हैं कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच हम मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। तो कुल मिला करके कहीं ना कहीं धोखेबाजी। धरना स्थल से आप लोग को क्या परेशानी हो रही है वहाँ पर? धरना स्थल
क्या क्या यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, ये महिलाएं जाती है, कहीं बाथरूम की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, दूर दूर तक एक कर्मचारी आंदोलन करते समय मिर्गी आ गया, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, वहाँ जो एक तो बाथरूम बनाया कोई सुविधाएं नहीं, कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, लज्जा को भी लज्जाती है और महिलाओं के लिए तो और कष्टप्रद है। मैं एक आरोप लगा रहा हूँ और प्रमाणित भी कर दूंगा कि जैसे कांग्रेस सरकार में शांति नगर के सिंचाई कॉलोनी को तोड़ करके बड़ा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना रहे कांग्रेस के नेता ठेकेदार, मुझको यह भय है कि बूढ़ा तालाब धरने स्थल को हटा करके इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम, तो चुनावी मौसम होने के कारण सभी शासकीय कर्मचारी संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए। सभी संगठन कोई संविलियन तो कोई अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के राज्य शासन से अपनी मांगे पुरजोर तरीके से मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं रायपुर का बूढ़ा तालाब है धरना स्थल, जहां पर कर्मचारी संगठन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये संगठन यहां पर धरना प्रदर्शन के बाद जो है तूता में भी, रायपुर के नवा रायपुर के तूता में भी अब धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रायपुर से amarujala.com के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।